अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फैन ये दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और फिलहाल दोस्तों, मैं अभी आज आपको दिखाने वाला हूँ दादर में समुंदर के किनारे जो इस तरह के घर बने हुए हैं। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी घरें बनी हुई हैं जो समुंदर के किनारे इस तरह से बनी हुई हैं। देखते हैं, इधर से पूरा किनारे किनारे से पत्थर रखे हुए और किनारे किनारे से घर है। ये पूरा दोस्तों समुंदर है और समुंदर के जस्ट सामने देखेंगे दोस्तों, ये बांद्रावरी सी इंक है। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बगुले बैठे हुए हैं और इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग घर वगैरह बना के रहते हैं समुंदर के किनारे, जो कि मैं अभी फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही देखिए दोस्तों, कितना यहाँ पे गंदगी वगैरह भी हो रखा है। क्या है कि फैमिली बहुत सारी यहाँ रहती है तो कचरा फेंकना काफ़ी आसान होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस तरह से कचरा वगैरह फेंका गया। देख रहे हैं, पूरा कचरे से पटा हुआ है, ये समुंदर का पूरा किनारा है। और फिलहाल दोस्तों, मैं अभी इसी तरह से घूमते हुए ये पूरा आपको एरिया दिखाते हुए मैं निकलूँगा आगे की तरफ। आगे की तरफ दोस्तों आप देखेंगे वहाँ पर दादर चौपाटी है। तो मतलब अगर कहा जाए, मैं आपको झोपड़े से ये के मुंबई दादर के जो ये किनारे किनारे के झोपड़े हैं, इन झोपड़ों से ये के मैं दोस्तों आज आपको पूरा दादर चौपाटी तक का एक बेहतरीन टूर देने वाला हूँ। पूरा समुंदर के किनारे की लाइफ दिखाने वाला हूँ और दादर चौपाटी की भी ज़िंदगी दिखाने वाला हूँ। हो सकता है यार ना वहाँ कुछ ट्राई भी कर दें, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है अपने को। क्या कहते हैं, भूख लग रही है फिर से ना? अभी सुबह का नाश्ता किया लेकिन भूख अभी बढ़ रही है। अभी थोड़ा कुछ खाएँगे पियेंगे दादर में चल के। और सैफ भाई, ये बीच की एक खासियत है, इधर अभी जब हम लोग जाएंगे ना, ऐसे किनारे किनारे बहुत सारे लोग अपना उल्टा सीधा हरकत करते हैं, वो देखने का नहीं, देखने का नहीं, आंखें बंद करके जाने का, देखने का नहीं। लेकिन ये इसके बारे में कुछ बोलना चाहिए आपको, अवेयर करना चाहिए लोगों। नहीं यार, ये अवेयर नहीं, गलत है। लेकिन नहीं, क्या ही गजत है यार, एक उम्र होती है, एक टाइम होता है, अगर अभी के टाइम में बच्चे नहीं करेंगे तो कब करेंगे आप? और बढ़ावा दो। नहीं, बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लोगों का अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसे मैं ज़्यादा ओपिनियन। ऐसे में देखो, उनको भी रिक्स है, कभी कोई वीडियो ऊपर से बना लिया या कुछ भी ना, कि बिल्डिंग विल्डिंग भी है। ये थोड़ा सा इधर दिक्कत रहती है। मैं अक्सर आप खुले में इधर जाएंगे तो दादर चौपाटी में बहुत सारे जो खुले में थोड़ा सा मतलब अंतरंग टाइप के काम करते हैं, अंतरंग टाइप के, आप तो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता उस टाइप पे, लेकिन अक्सर आप जब दादर चौपाटी के एरिए में घूमेंगे ना, तो उस तरह की हरकतें बहुत देखने को मिल जाएंगी। अभी चलेंगे, थोड़ा बहुत आपको बस हाईलाइट दिखाते हुए जाएंगे, पूरा पिक्चर नहीं दिखाएंगे। पहले 150-200 रुपया बचाने के लिए इधर आते हैं। 150-200 रुपये बचाने के लिए, अरे वो स्टूडेंट होते हैं यार, उनको तो कोई रूम भी नहीं देगा क्या? उनकी एज ही क्या होती है? 15-16 साल के बच्चे रहते हैं, 14-14 साल के बच्चे ही रहते हैं। अभी हम चलेंगे तो इधर आपको देखने को खैर मिलेगा ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से समुंदर के किनारे बहुत सारे लोगों का घर वगैरह होता है। बाकी आपके माइंड में ये बात है कहाँ से आई इसफाक भाई? नहीं, मैं ऐसे उस दिन यहीं से हम लोग आ रहे थे ना, हाँ हाँ, तो मैं देखा था, तो मैं सोचा थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहिए कि अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, ये है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं यार। मैं अभी तो यार अपनी एज हो चुकी है अच्छी खासी, अब तो थोड़ा बूढ़ा होने लग गया हूँ। यहाँ भी मैंने नोटिस किया ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अमूमन अगर देखा जाए ना तो उनको दाढ़ी है, तो मुझे 15-15 साल के बच्चे रहते हैं और बहुत ही खतरनाक उल्टी सीधी हरकत करते हैं, तो उनको जैसे कोई डर ही नहीं है। और ऐसे ऐसे मतलब रहते हैं ना कि देखोगे तो भाई आप खुद शर्म आ जाओगे, खुद शर्म। हाँ या, और ये ज़्यादातर ऐसा नहीं है अशफाक भाई, पूरे बम्बई में ये सारी सीन्स हैं? ये बांद्रा में है, जुहू पे है, यहाँ है। हाँ, ये थोड़ा दादर चौपाटी में भी है, यहाँ ज़्यादा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मतलब ज़्यादा बोले तो थोड़ा सा बुरा वाला है, बुरा मतलब वाला है। जो आपको बैंड स्टैंड में भी ज़्यादा है, वही सेम यहाँ है, बैंड स्टैंड वाला, हाँ सेम कह सकते हैं। बैंड स्टैंड में थोड़ा पत्थर पत्थर है, तो जो वहाँ पे अपना छुप जाते हैं, यहाँ ओपन है, एकदम ओपन है। अभी देखिए आप ही सामने की तरफ देखिए, पूरा वाइट आपको सैंड दिख रहा है। अब सैंड के किनारे किनारे से वो दीवार बनी हुई है, वो कलर करी हुई दीवार के पास में, अभी पास में जाके दिखाएंगे तो सब दिखेगा क्या कर रहे हैं। हाँ सच में यार, बाकी काफी बुरा वाला माहौल रहता है। वैसे फिलहाल दोस्तों अभी हम चलेंगे ही उधर, आपको वो सारे माहौल को दिखाएंगे। बाकी इधर देखिए, ये इधर से अगर देखेंगे ना, इस तरह से पूरा किनारे किनारे से लोगों के घर बने हुए। अभी फिलहाल मैं कुछ देर पहले वहीं पे था, वो सामने की तरफ अगर आप देखेंगे वहाँ पे एक फोर्ट बना हुआ है, एक किला बना हुआ है, तो मैं वहीं पे था, वहाँ से ही किला दिख भी रहा है। हाँ, यहाँ से किला दिख भी रहा है, वहीं से मैं आपको सारा नज़ारा वगैरह दिखाते हुए आया है कि मैं अभी आपको समुंदर के किनारे किनारे से लोगों की जिंदगियाँ दिखाऊंगा। फिलहाल दोस्तों मैं उधर के साइड से वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, बहुत सारे बेवड़े थे। अब मैं बेवड़ा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग, आज संडे का दिन है तो दारू वगैरह पी रहे थे क्या आसपास? हाँ, और मतलब ऐसा लग रहा था कि सही नहीं है उधर शूट करना, क्योंकि देखो भाई, नशे की हालत में कोई कुछ भी बोल देगा तो हम लोग को तो बर्दाश्त होता नहीं, बर्दाश्त होता नहीं, तो इसके
लिए उनको छेड़ने का ही क्यों, छेड़ने का ही क्यों, सच्चाई सच्चाई तो ये है कि भाई हम लोग उन लोग को नहीं शूट करेंगे, नहीं दिखाएंगे, लेकिन उन लोग को लगेगा कि हम लोगों को शूट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, ये सब वो लीगल नहीं है ना, ये सब इलीगल है, तो इसके वजह से वो लोग डर जाते हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, ज्यादातर तो ताश और दारू वाले ही है ना। हाँ, ज्यादातर दारू और ताश वाले थे। एक बार मैं आया था तो कुछ गजेड़ी भी मिले थे, वो बात भी हुई थी। हाँ, बात भी हुई थी। आपने अगर नई वीडियो देखा हो तो आप दादर की एक वीडियो है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी खूबसूरती देखो साहब भाई बगले की। हाँ यार, एक बात तो ये भी है कि यहाँ पे मैं पिछली बार भी दिखाया था कि बहुत सारे बकुले रहते हैं यार, मतलब यहाँ पे मछियाँ उनको मिलती होंगी तभी ना सुहाग भाई यहाँ पे रहते हैं। देखो ना, पूरे झुंड में रहते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको शायद अरे हाँ, आराम से होंगे। मैं अभी जूम करके आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन और लेकिन 500-700 तो नाव भी है सुहाग भाई उधर, देखो ना। हाँ, अभी हम लोग वहाँ बैठे थे। हाँ, तो वहाँ पे देखो पास में एकदम नाव, वहाँ पे भी वीडियो शूट करने नहीं दिया पुलिस वाले ने, नहीं तो वो मतलब एकदम बंदरगाह बोलते हैं ना। हाँ, वो बंदरगाह जैसा है। हाँ, वो तो वहाँ पे जो मच्छी पकड़ना बैठा था, बंदूक लेके बोला गोली मार दूंगा अगर यहाँ शूट करेंगे तो। भाई बोले जाने दो, जाने दो भाई, मुंबई में बहुत जगह है शूट करने के लिए, मैं यही क्यों शूट करूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी फिर आज हम चलते हैं थोड़ा सा इसी तरह से किनारे किनारे से होते हुए आगे की तरफ, पूरा ये समुद्र का किनारा दिखाते हुए दादर चौपाटी पे। दादर चौपाटी भी दोस्तों एक बेहद खूबसूरत सी जगह है। मोस्टली मैं अपना ज़्यादातर टाइम वहीं बिताता, वहीं पे एक्सपेंड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब आएंगे ना तो आपको एक ही जगह है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बगल में पार्क है, उसके बगल में चौपाटी है, वहीं पे व्यूइंग डेक है, और वहीं पे भीमराव अंबेडकर जी का समाधि स्थल भी है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है संविधान जिन्होंने लिखा था। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं इसे ही समुंदर के किनारे से घूमते घूमते जा रहा था चौपाटी की तरफ, तो ये देखिए, मतलब अभी मैं आपको दिखाया कि किस तरह से लोगों के एकदम किनारे किनारे से घर हैं, अभी यहाँ पे देखो दोस्तों किस तरह से इतना सुंदर बनाया गया है, मतलब अच्छा वाला यहाँ पे व्यू आ रहा है। पीछे की तरफ देखेंगे तो झुग्गियाँ हैं, बाकी यहाँ पे देख रहे हैं कुर्सियों को लोगों ने क्या हाल कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है, अच्छे लोग रहते हैं ना जो यहाँ चढ़ेंगे और यहाँ कूदते हैं। अच्छा, हाँ, तो उस वजह से टूटा है, बाकी यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है साहब भाई। हाँ, यहाँ पे एक नहीं अच्छा लग रहा सब, लेकिन एक चीज और है, आपको स्मेल थोड़ी सी गंदी वाली आ रही होगी। हाँ, वो पानी जब भर जाता होगा ना, जब नहीं आती होगी। हाँ, नहीं आती होगी, अभी थोड़ा सा क्या है गटर वगैरह भी बहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गंदा सा इसमें जा रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे बैठने पे काफी अच्छा सा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे जिसका घर होगा ना उसको बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत अच्छा। हाँ, अपने खिड़की खोले, पीछे देखो, खिड़की मस्त बैलकनी वाला घर है भाई। हाँ, लेकिन उसका कोई एक बात और भी, अगर पानी बढ़ता होगा तो यार घर में भी घुस सकता है पानी, यार डेंजर तरीके से घुस सकता है ये। हाँ, लेकिन इसको ऊंचा किए है ना, तो ये कैसा रहता है ना, जब हाई टाइड रहेगा ज्यादा, रेड अलर्ट रहता है, तब थोड़ा सा खतरा रहता है, इसके वजह से ये लोग घरों को। अच्छा, अभी आपने अस्पताल को एक चीज नोटिस किया, जब हम लोग वहाँ पे कोलीवाला मतलब वो फोर्ट के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ पे देख रहे थे उनके गार्जियन थे, मतलब मम्मी पापा वहीं पे बैठे हुए थे और उनके बच्चे आ रहे थे उनके सामने नहा रहे थे। और वो आपने नोटिस किया उनके पापा जो थे खुद बच्चे को वो कर रहे थे, कन्विंस कर रहे थे हाँ जाओ तुम तैरना सीखो। हाँ हाँ, क्योंकि रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे समुंदर है ना, उसके किनारे रह रहे हैं, तो इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आता है हाँ तो कम से कम तैरना तो आए। हाँ, तैरना है, मतलब डूबने से तो बच सकते हैं। हाँ, लाइफ जैकेट पहना हाँ, के हाँ, हाँ, तैर रहे थे बच्चे लोग। हाँ, और बच्चे भी थे और छोटे छोटे भी बच्चे थे। हाँ, बड़े भी थे। हाँ, और उनके उनके परिवार वाले ही कन्विंस कर रहे थे जाओ बेटा तैरो कोई दिक्कत की बात नहीं। और सही है भाई, देखो ये कोली समाज के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर यहाँ सब कोली ही रहते हैं, और भी बहुत सारी मिक्स कम्युनिटी रहते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कोली समाज के रहते हैं, उनको फुल परमिशन है इसके अंदर जाने का। कोली लोग स्पेशलिस्ट होते हैं दोस्तों, मछुआरे होते हैं, मतलब उनकी जो कम्युनिटी होती है वो मछुआरे की कम्युनिटी हो, मच्छी वगैरह मारना उनका मतलब मेन पेशा ही होता है, क्या कहते हैं। हाँ, मेन काम उनका वही है, उनके पास में प्राइवेट उनका नाव होता है। हाँ, और अगर जहाज वगैरह है तो उनका प्राइवेट रहता है। हाँ, तो उससे वो लोग मतलब जाते हैं, और भाई जब अंदर, ये बाहर कुछ नहीं है, अंदर जब जाते होंगे ना तो फिर कैसी स्थिति रहती होगी, अगर कभी बोट खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, तो तैरना आना चाहिए। इस वजह से वो लोग बोलते हैं जाओ तैरो, अपना सीखो, अपने पैर पे खड़े रहो। सही बात, क्योंकि भाई अगर अचानक से समझ लो यहाँ पे हाई टाइड पानी आ गया, पूरा घरों में चले गया, क्या करेंगे, कहीं भाग नहीं सकते, उधर से भी रास्ता नहीं है, इधर से भी रास्ता नहीं है, अंदर से ही जाना पड़ेगा। बोट भी अंदर है। हाँ, किनारे तो है नहीं। हाँ, बोट तक जाने के लिए तो तैरना आना चाहिए, तो रीजन ये है साहब भाई इसके वजह से। बाकी इधर के लोग मतलब मस्त होंगे, एकदम रहते होंगे, अच्छा वाइब जैसे। बाकी इनका नुकसान बहुत होता होगा, कैसा जैसे ये लोहा हुआ जो भी रहता होगा वो जंग जग जाता होगा ना, खराब हो जाता होगा, लोहे की चीज ही खराब होती होगी,
और बाकी घर में नमी हमेशा बनी रहती है, दीवारों वगैरह से पापड़ी वगैरह भी छोड़ने जगह तो हाँ, क्योंकि बाकी और जैसे एसी वैसी भी लगाएंगे ना तो वो भी खराब हो जाती है, लीकेज हो जाता है। अच्छा एसी वैसी में लीकेज हो जाता है क्या? सड़ जाता है उसका, वो आउटडोर जो रहता है ना वो पूरा खराब हो जाता है, मतलब उनको हर 6 महीने में। जैसे कि अभी देखो शाहरुख खान के घर से भी पापड़ियाँ निकल रही थी, मैं कुछ दिन पहले गया था। तो रीज़न यही है, समुद्र के किनारे मतलब वाइब के लिए अगर घर ले लिया है किसी ने तो बाद में वो बहुत पछताता है क्योंकि मेंटेनेंस बढ़ जाता है। मेंटेनेंस तो बढ़ जाता है लेकिन ठीक है यार, व्यू काफ़ी अच्छा आता है। हाँ, व्यू काफी, और जिसके पास पैसा है उसके लिए क्या ही दिक्कत है, उसके लिए क्या ही दिक्कत है। बाकी इन लोग का तो भाई खुद का है, बाप दादा की जमीन है, कोई टेंशन नहीं है। खुद का है तो खाली मेंटेनेंस ही है ना, एक साल में मान लो बहुत खर्चा आएगा, कितना ही खर्चा, लाख रुपये आ जाएगा एक साल, वो भी मुझे नहीं लग रहा एक साल में आता होगा, और भी ज़्यादा टाइम चला जाता है क्योंकि यहाँ ऑयल पेंट मार दिए तो जल्दी खराब नहीं होता। हाँ तो वही मारते होंगे ना देखो। हाँ, लेकिन देखो अभी यहाँ पे जो जिन्होंने जंग लगा हुआ है अभी पीछे की तरफ भी दोस्तों यहाँ पे जंग वगैरह लगा हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा देर यहाँ पे सुकून से बैठा तो मैंने कहा कि थोड़ी बहुत यहाँ के लाइफ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। अभी यहाँ पे लोकल है नहीं तो हम अशफाक भाई आपस में, हम लोग भी लोकल बन गए क्योंकि हम लोग यहाँ पे दूसरी बार है हम लोग का, हम लोग मल्टीपल टाइम ऐसे जगह पे घूमते रहते हैं, लेकिन ठीक है यार और अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ का ले लिए हैं। वाइब खैर यहाँ का बड़ा शानदार है और इस तरह से घूमने भी काफ़ी मज़ा आता है। तो और कुछ कहना चाहेंगे अशफाक भाई? बस यही था, मतलब बैठे थे तो सोचे कि चलो दिखा देते हैं यहाँ का नज़ारा, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बाकी चलते हैं आगे। हाँ अभी तो आगे खैर हम चौपाटी तक जाने ही वाले हैं, ठीक है, लेकिन बैठने में मतलब बढ़िया है यार, व्यू भी अच्छा है, मतलब कहते हैं ठंडी ठंडी हवा भी है, छाया भी है, मतलब जो गांव में रहता होगा तो मतलब गांव वाला जैसे ना अब जाके बगीचे में बैठना, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना केले वेले का भी पेड़ लगा हुआ है, नारियल का भी है, बाकी ना गांव के जैसा ही है पूरा ही। अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा है। और हम भी अक्सर हम लोग जब अभी गर्मी का टाइम भी धीरे धीरे आ रहा है तो इसी तरह से गांव में भी जो लोग रहते होंगे जाके बगीचे वगैरह में बैठना थोड़ा सा अच्छा, यहाँ के लोगों के लिए तो काफ़ी बढ़िया जगह है यार, मस्त है, कुर्सी वर्सी भी लगा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम इस तरह से समुंदर के किनारे घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा यहाँ पे दादर चौपाटी का ये पूरा एरिया है, ये पूरा दादर चौपाटी का जाता है। सामने की तरफ व्यूइंग डेक है, मैं जो बात कर रहा था जो फालतू जो काम करते हैं वो इसी एरिया में करते हैं, लेकिन फिलहाल दोस्तों मुझे बिल्कुल भी वो सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ, बस मैंने आपको एज ए रेफरेंस बता दिया। अभी मैं इसी तरह से सीधे होते हुए दोस्तों पहुँच जाऊँगा मेन दादर चौपाटी पर, वो सामने की तरफ दादर चौपाटी है, वहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरत सा व्यूइंग डेक वगैरह भी बना हुआ है, और वहीं चलने के बाद दोस्तों वहाँ पर थोड़ा सा माहौल दिखाने के बाद फिर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। हम लोग आ चुके हैं असल में दादर चौपाटी पे, जो ये देख पा रहे हैं वो सामने की तरफ देखेंगे व्यूइंग डेक है, और ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, और एक पीछे जो देखेंगे भीमराव अंबेडकर समाधि स्थल है, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी का दोस्तों अंतिम संस्कार वगैरह किया गया था, वो यही जगह है फिलहाल। और इस तरह से दोस्तों मैंने वर्जी गाँव से पैदल चला था और अभी दादर चौपाटी पे पहुंच चुका हूं, और इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं, मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों से हम न्यूज़ का सत्य काज मारा बा फिर मिलेंगे।